नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे कौन वैसे शेयर है जिसमें इन्वेस्टर और ट्रेडर रुपया बना रहे हैं, वैसे स्टॉक्स जो इस गिरावट में भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, हर सेक्टर से जो बेहतरीन स्टॉक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है मार्केट में आप खोजेंगे तो कुछ स्टॉक की चर्चा हम इस वीडियो में आपको करेंगे और उसके रीजन से भी बताएंगे कौन से स्टॉक्स आपको काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करते हुए आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा स्टॉक्स है वो है रिलायंस, स्टॉक मार्केट का राजा रिलायंस। दोस्तों इसमें काफ़ी दो तीन दिनों से गिरावट हो रहा था, देख सकते हैं यहाँ पर दो तीन दिन से काफ़ी गिरावट चल रहा था और यहाँ आज जो जिन्होंने भी कल इसमें मतलब लास्ट टाइम में डिलीवरी उठाया होगा, चाहे आज जिसने भी ट्रेड किया होगा, तो आज देख सकते हैं इस स्टॉक में 7.51% की तेजी, एक दिन में तीन चार दिन पीछे जो गिरावट आया था सारे रिकवर कर लिया। तो दोस्तों जिसके पास भी रिलायंस है तो वो इन्वेस्टेड रहें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा आपका वेल्थ क्रिएट हो सकता है रिलायंस में, क्योंकि रिलायंस अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देख सकते हैं आप यहां से देखिएगा तो गिरावट से ये कुल 146% का रिटर्न दे चुका है एक ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी जनरली ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं, लेकिन ये कंपनी आपको मात्र 3 से 4 महीने में 146% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। इसके बाद जो आज हमारा स्टॉक जिसमें काफ़ी तेजी था वो देखते हैं HDFC बैंक, ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। अगर ये भी स्टॉक्स गिरावट में मिलता है तो छोड़ना नहीं, बहुत सारे लोग कहें बैंक में ये होगा, बैंक में वो गिरावट आएगा, मॉनिटोरियम बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, थोड़ा बहुत मॉनिटोरियम के पर से कुछ प्रभाव खास पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की लीडर कंपनी है। तो ये स्टॉक्स में गिरावट आता है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें। आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें गिरावट आया था, कितना परसेंट रिटर्न दे चुका है, 46% तक जा चुका था, थोड़ा सा फिर से गिरावट आया है, अभी भी 35% का रिटर्न दे रहा है। तो जहाँ बैंक सेक्टर कहा जा रहा है काफ़ी अंडर परफॉर्म करेगा, ये करेगा वो करेगा, वहाँ ये स्टॉक्स अभी भी 35% रिटर्न दे रहा है आपको गिरावट जो आया था वहाँ से। और एक स्टॉक्स है रिलैक्सो फुटवेयर, तो रिलैक्सो देख सकते हैं काफ़ी गिरावट इसमें दो तीन दिन से चल रहा था, आज एक ही दिन में ये देख सकते हैं 616 रुपीज़ पे आ चुका है, तो काफ़ी तेज गिरावट भी आया था यहाँ पर, देख सकते हैं काफ़ी यहाँ से गिरावट आया था और 580 रुपीज़ पे ये स्टॉक्स आ रहा था, जो कि उस गिरावट में भी जल्दी ये नहीं मिल रहा था लोगों को, और देख सकते हैं रिकवरी दो दिन में ही ये 6% का रिकवरी कर लिया, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक से ये रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन दिया, काफ़ी कम नुकसान है और इस लॉकडाउन में तो काफ़ी साइलेंट परफॉर्मेंस है इस स्टॉक का। आप यहां पर देखते हैं गिरावट तो इसमें स्टॉक में काफ़ी आया था, 500 रुपीज़ आ गया था, लेकिन यहां से रिकवरी भी काफ़ी तेज हुआ था, 776 तक ये जा चुका था रिकवर करके। 1 ईयर में देखिएगा अभी भी बेहतरीन रिटर्न, 1 ईयर में अभी भी देखते हैं आप तो 43% का रिटर्न दे रहा है। दोस्तों मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से है रिलैक्सो फुटवेयर, ये स्टॉक्स आपको गिरावट में मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, हम कई बार आपको ये रिकमेंड किए, कई बार बताए होंगे ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, अगर गिरावट में मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो हमारा स्टॉक है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स देखिए रिकवर कितना फास्ट किया है, 864 पर आ गया था पैंडमिक में और वहाँ से देखिए 110% का रिटर्न, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। ये स्टॉक्स एक तरह से कहिए ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, हमारा जो कमोडिटी है वो एक्सचेंज है उसका इंडेक्स है, तो एक तरह से बाय करते हैं इंडेक्स को आप, तो लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आपको देगा और इसका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार है 1.65%। तो कभी भी गिरावट में ये भी स्टॉक्स आपको मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। अगला स्टॉक्स है हमारा फिन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, इस स्टॉक में देखिएगा आज 11% का तेजी है। तो देखते हैं ये सब स्टॉक्स यहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर देखते हैं काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट, यहाँ से गिरावट से देखिएगा तो गिरावट से अभी तक में देखिएगा 58% का रिटर्न है, 58% से भी ज़्यादा का, और लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, तो जो भी स्टॉक्स बताएं वो लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने वाले हैं। ये 2008 में ही लिस्ट हुआ है और काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, तो ये कंपनी जब भी आपको गिरावट मिलती है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, मतलब आपको ये 1800 उसके आसपास कभी भी मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है और अपना रिसर्च भी थोड़ा सा खुद ज़रूर कर लें। उसके बाद है इप्का लेबोरेटरीज, लुरुच लेबोरेटरीज, इप्का लेबोरेटरीज, ये सारे काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, कैडिला हेल्थ केयर, तो सारे के सारे जो स्टॉक्स है हम आपको कई सारे स्टॉक्स इसमें बताएंगे, आज भी देख सकते हैं ये 5% अप है, तो ये स्टॉक में इन्वेस्टर ट्रेडर जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जो इन्वेस्टर हैं, सारे के सारे लोग इसमें रुपया बना रहे हैं, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। आप यहाँ
पर देख लीजिए एक वन ईयर्स में रिटर्न कितना बेहतरीन रिटर्न है, 114% का रिटर्न। फाइव ईयर्स का रिटर्न देख लीजिए तो यहाँ से फाइव ईयर्स में 153% का रिटर्न, और मैक्सिमम मेरम देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। कई बार हमने इस स्टॉक को आपको बताया है कि मैक्सिमम मेर में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 17,000% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन है। इपका लैब हो गया, आपको लुरुज लैब हो गया, आरती ड्रग्स हो गया, जुबलेंट लाइफ साइंस, इस तरह के कई सारे स्टॉक्स हमने आपको अलग अलग वीडियो में रिकमेंड किया। तो इन सारे स्टॉक में एक दो साल तक आगे भी जो है इसमें तेज़ी आपको देखने मिल सकता है, मतलब फार्मा सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं उसमें आगे भी तेज़ी बनी रह सकती है। आप देखिए कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज़, पहले तो मैंने ये स्टॉक्स नहीं बताया, अगर किसी वीडियो में बताए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए वन मंथ पे कितनी तेज़ी है, तो काफ़ी तेज़ी देखने मिल रहा है इस स्टॉक में, 52% का तेज़ी एक महीने में। आप देखिएगा यहाँ जो गिरावट आया था पैंडेमिक में वहाँ से, तो वहाँ से भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, देख लीजिए 168% का रिटर्न। मैक्सिमम ईयर में बात करते हैं तो ये देख सकते हैं कंपनी यहाँ से 2014 में यहाँ लिस्ट दिखा रहा है और वहाँ से 837 पॉइंट का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है ये भी। ये सारे जो कंपनियां हैं काफ़ी बेहतरीन है। अब जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी न्यूज में रहते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो उससे पहले आरती इंडस्ट्री, ये इस स्टॉक को मैंने आपको 900 पे था तो उसी समय बोला था कि आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, 1100 का टारगेट है जो कि अब अचीव होने वाला है। आप यहाँ से देख लीजिए आज जो इसका हाई बना था वो 1049 रुपीज़ बना था, 1100 रीच करने वाला है। हमारे चैनल पर जो भी है कई बार हमने बताया था, एंजल ब्रोकिंग का वीडियो बनाया था, एंजल ब्रोकिंग के वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसका टारगेट जो एंजल ब्रोकिंग दिया है वो 1100 के ऊपर है, तो अब टारगेट अचीव आपका हो जाएगा। तो जो भी शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट किए होंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए वो 1100 के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्टेड रहेंगे। तो ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म में देखिएगा चार्ट देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म का चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, रिटर्न देखिएगा तो 21,000% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन है। अब जो छोटे छोटे स्टॉक है आलोक इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। इस स्टॉक में आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, आप छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करें 200, 300, 500 इस तरह से, और जैसे हाइयर लेवल पर जाए अब हाइयर लेवल की ओर जा रहा है प्रॉफिट बुक कर लें। जैसे ये लोअर लेवल की ओर आएगा यहाँ पर लोअर लेवल 30 रुपीज़ से नीचे तो आप इसमें इन्वेस्टेड हो जाए, हायर लेवल पे जाए तो इस पर प्रॉफिट बुक कर ले। मैंने 30 रुपीज़ पर बाय किया था, इसको 35 रुपीज़ पर बुक कर दिया प्रॉफिट। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ऐसा मत कहिएगा कि 1000 जाएगा आलोक इंडस्ट्री। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल होते हैं, व्हाट्सएप वाले होते हैं, वो देते हैं कि इसमें 1000 का लेवल जाएगा ऐसे अमीर हो जाओगे वो हो जाओगे, ये 1000 जाने वाला नहीं है, रुचि सोया नहीं है। रुचि सोया में मात्र 42 लाख शेयर ही ट्रेड करने के लिए था, इसमें करोड़ों शेयर है तो लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है इस पर। साथ ही साथ जो रुचि सोया वो उसका ब्रांड काफ़ी फेमस था, इसके भी काफ़ी अच्छे ब्रांड है, लेकिन 1000 प्राइस जाने का मतलब आप समझते हैं, 1000 प्राइस मतलब जो रिलायंस है उसका 1/3 पार्ट हो जाएगा। और रुचि सोया में क्या था, उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि उसका जो 100 शेयर है उसको 1 शेयर बना दिया गया था, इसलिए वो 1000 के ऊपर जा चुका था। तो ये सब बात को याद रखिएगा, तो इसमें लगातार प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, लगातार मतलब जैसे जैसे ऑपरेटर इसको चलाए वैसे वैसे आप भी इसमें चलते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए। उसके बाद देखते हैं TV18 ब्रॉडकास्ट, इसमें मैंने भी कभी 2 दिन ट्रेडिंग किया था, पोजिशनल ट्रेडिंग मैंने भी बनाया था। कल भी मेरी इच्छा हो रही थी कि इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कर ले, अगर 1000 शेयर बाय कर लेते तो आज देख सकते हैं आप मेरे पास जो इन आज रिटर्न प्राप्त होता, कल जो क्लोज हुआ था कितना पर 32 रुपीज़ पर, आज हो गया 36 रुपीज़, लगभग 3500 रुपया। अगर 1000 शेयर भी बाय कर लेते तो आज हम 3500 रुपया बना सकते थे इसमें। तो ये होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि ये अपना 33 रुपीज़ के आसपास अब मिलता है, उससे नीचे तब इसमें आपको बाइंग करना है, और हाइयर लेवल पर गया तो सेल करना है। साथ साथ ये रखिए मार्केट का ध्यान, मार्केट में गिरावट आते जाएगा तो ये स्टॉक गिरते जाएगा, मार्केट में गिरावट आते जाएगा ये स्टॉक गिरते जाएगा, तो ये सब बात को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ छोटे छोटे अमाउंट से पहले सीखते जाइए, छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, जो बेहतरीन शेयर है ऐसे शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट मत कीजिए। इसमें मैंने इन्वेस्ट किया मात्र 100 शेयर इसका बाय किया, मात्र 100 शेयर समझ सकते हैं। आप इन्वेस्ट कीजिए रिलैक्सो हो गया, रिलायंस हो गया, HDFC, इन्फोसिस, विप्रो,
तो इस तरह के अच्छे अच्छे स्टॉक जो हम बताते रहते उसमें करना है आपको इन्वेस्ट। ये रिलायंस ग्रुप का शेयर है, अगर आप इसमें मतलब कभी पोजिशन ट्रेडिंग में फंस भी गए तो आप फिर इस पर निकल जाएंगे, क्योंकि ये रिकवर कर जाएगा। रिलायंस ग्रुप का शेयर है, काफ़ी बेहतरीन है, जब मर्ज होगा तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बड़ा बन सकता है। उसके बाद हाथवे केबल, देखिए हाथवे केबल में आप बाय मत कीजिए, जो टिबेटिन ब्रोस्कार है, नेटवर्क 18 है, कई बार बोलते हैं हाथवे केबल, ये सारे के सारे मर्ज होकर के एक ही स्टॉक बनेगा। आप इसमें हायर प्राइस पर बाय करके अगर आप इसको सेल नहीं किए तो आपको नेटवर्क 18 का शेयर मिलेगा, जो कि कम प्राइस का हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पर चल रहा है, अभी भी ये 3-4 रुपये हाई है। मतलब इसका जो रेशियो है कि नेटवर्क 18 का मात्र 71 शेयर मिलेगा, तो इस रेशियो में प्राइस अपना एडजस्ट करके कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, तो ये आपको हायर प्राइस पर दिखेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट शेयर थे जिस पे आप भी जो इन्वेस्टर है और जो ट्रेडर है दोनों को दोनों रुपया बना रहे हैं, तो आप भी चाहते हैं तो रुपया बनाते रहिए। छोटे छोटे क्वांटिटी में पहले बाय कीजिए, फिर सेल कीजिए, बाय कीजिए, सेल कीजिए, इस तरह के आपके पास जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप अपना नियम बनाइए और रिसर्च करते रहिए, और लगातार हम जो वीडियो बना करके आपको बताते रहते हैं कि इन सब स्टॉक्स में आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे अभी देखें रिलैक्सो में एक दो दिन पहले चांस था, लोअर लेवल पर मिल रहा था, रिलायंस में था, HDFC बैंक में था, इस तरह के सारे जो फार्मा सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं एक दो साल के लिए और अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चाहे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।